जड़ ए जीवन छे। जीव मात्र माटे जड़ केंद्र बिंदु छे। जड़ वगरनी सृष्टिनी कल्पना ज अशक्य छे। जड़ प्रणाली ने सुरक्षित राखवा माटे तेनी योग्य समझ पण होवी जरूरी छे। नयन रम्य देखातु आ सरोवर छे राजकोट शहरनु अटल सरोवर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत दरेक जिल्ला में 75 अमृत सरोवर बनावा आह्वान करवामां आव्युं हतुं। राजकोट जिल्ला में जल संचय तेमज अमृत सरोवर योजना अंतर्गत 80 सरोवरों तैयार थई रह्या छे, जिसमें राजकोट जिले में हमने 75 प्लस अनदर 5 80 ऐसी तालाब हमने नक्की किया है। इसमें मनरेगा हेटल हो रहा है, 15वीं नाना पंच हेटल हो रहा है, कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हो रहा है, कोई सिंचाई विभाग कर रही है, कोई पंचायत विभाग कर रही है, अलग अलग संस्थाओं भी कर रही है। तो इस हिसाब से हमने 75 का पोर्टल पर अपलोड कर दिया प्लस 5 अनदर कर रहे हैं। उसमें 20 तालाब अगस्त 15 तारीख के पहले कंप्लीट करने का डायरेक्शन को हम लेके अभी चल रहे हैं। राजकोट जिला में जनभागीदारी से महात्मा गांधी नरेगा से पंचायत सिंचाई विभाग से स्टेट सिंचाई विभाग सबकी एक महत्वपूर्ण योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर हफ्ते इसको रिव्यू कर रहे हैं। भारत सरकार के जो एकम पोर्टल है उसमें भी हम अब इसको अपलोड भी कर रहे हैं और हर वीक में वी आर गेटिंग ड्रोन फोटोज़ कि पहले की परिस्थिति कैसी थी, अभी का परिस्थिति कैसा है और लास्ट में उसका परिस्थिति क्या होगा, उस हिसाब से हम इसको वीकली रिव्यू कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर SDM हर मामलेदार और हर TDO जगह की विजिट भी करके आ रहे हैं। मैं और डिस्ट्रिक्ट DDO दो ऑफिसर्स भी अलग अलग तालाब की विजिट कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी 3 तालाब उन्होंने लिया है, उसमें एक अटल सरोवर भी लिया गया। तो आशा रखते हैं कि अगस्त 15 तारीख तक 20 तालाब रेडी हो जाएगा और उसके साथ 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 इनकी जो योजना है को ब्यूटिफिकेशन का भी हमने बैंक्स को भी रिक्वेस्ट किया एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो तालाब की ब्यूटिफिकेशन हो, वहाँ पे फ्लैग मास्ट लगे और अगस्त 15 तारीख को वहाँ पे झंडा फहराने का एक प्रक्रिया भी वहाँ पे चालू करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही बात करिए गुजरात राज्य ना दक्षिण भाग में डुंगराळ तेमज गीच वनराजी थी अत्यंत रमणीय डांग जिल्ला ना आहवा तालुका ने उनाळाना धूमधकता तापमा लोकोने तेमज ढोर ढाकरोने पाणीनी समस्या नड़े नहीं ते माटे डांग जिल्लामां 75 जेटला તળાવો બનાવવાનું તેમજ તળાવ ઊંડા કરવાનું આયોજન કરાયું છે। કેટલા ઘણા દિવસોથી આપણે મનરેગા યોજનામાં અમૃત સરોવર તરીકેનું આ એક ભાગ રૂપે અહીંયા કામ ચાલી રહ્યું છે અને કેટલાક લોકો પણ અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે જે લોકોની રોજીરોટી પ્રમાણે લોકોને દિવસના 239 પ્રમાણે અમે આ રોજ આપીને એ લોકોને ઘર પરિવાર પોસાઈ રહે એ માટે અહીંયા અમે કામ ચાલુ રાખ્યું છે। ડાંગ જિલ્લાના આહવા તાલુકાના કુતરનાચા ગામમાં હાલ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત અમૃત સરોવરનું કામ હાથ ધરાયું છે। સાથે જ મનરેગા યોજના હેઠળ અમૃત સરોવરમાં કામ કરી રહેલા સ્થાનિક લોકોને રોજગારી પણ મળી રહી છે। અમે મનરેગાનું હાલમાં ડેમ સંગ્રહ તળાવ ઊંડો કરવાનું કામ ચાલુ છે, અમને પૂરતા 16 દિવસની રોજગારી મળી રહેશે ગામમાં ને ગામમાં અને મનરેગા તરફથી અમારે ગામમાં ઘણી અમુક લેવલિંગ અમુક પથ્થરપાળ એવું ઘણી રીતે 100 દિવસની મજૂરી અમને પૂરતી ગામમાં ને ગામમાં મળી રહી છે। પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં અને ગુજરાત કોઈ કડિયા કામ કરવા એવું જતા હતા એટલે હમણાં રોજગારને હિસાબે અમે ગામમાં ને ગામ કામ કરતા છે। પાણીની સમસ્યાની પરિસ્થિતિનું સર્જન કરનાર માનવી જ છે તો તેમાંથી માર્ગ પણ માનવીએ જ શોધવાનો છે। પૃથ્વી પર જીવનનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા જળ સંરક્ષણ અને જળ સંચય ખૂબ જ મહત્વનું છે કારણ કે પાણી વિના જીવન અસંભવ છે। ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે રાજકોટ અને ડાંગથી ગુડ ન્યૂઝ ટીમનો રિપોર્ટ।